Hi guys, welcome back to my channel. This is Vishakha. I hope you all are doing well. So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिमलिस्ट SPF 40 इनविजिबल सनस्क्रीन की. एंड अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें भी मैंने सनस्क्रीन की ही बात करी थी. एंड दैट वॉज मिनिमलिस्ट SPF 60 सिलिमरीन वाली सनस्क्रीन. सो आप दोनों के रिव्यूज देख सकते हो एंड डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी सनस्क्रीन बेटर सूट करेगी. इस वीडियो को पूरा देख लेना, उसके बाद आप वो प्रीवियस वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हो. आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सी आपको सूट होगी. एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वीडियो. आज जिस सनस्क्रीन की हम बात करने वाले हैं, जस्ट टेक अ लुक ऑफ दिस प्रोडक्ट. सो मुझे कुछ इस तरीके से ये रिसीव हुई थी. दिस इज द सनस्क्रीन एंड ये एक पंप बॉटल है. एंड दिस इज अ 50 ग्राम प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट फॉर दिस इज 699. या आई गेस या इट इज 699. एंड ये जो है ये पुरानी पैकेजिंग है एंड द कॉस्ट इज ऑल्सो रिन्यूड नाउ. सो मिनिमलिस्ट ने इसको रीलॉन्च किया है एंड 50 ग्राम प्रोडक्ट का कॉस्ट कर दिया है इन्होंने 500 रुपीज. एंड उसके बाद भी आप इसको ऑफर में परचेज करते हो तो अमाउंट और कम हो जाएगा. एंड ऑल्सो ये जो पंप बॉटल है इसको चेंज कर दिया है एंड ट्यूब पैकेजिंग कर दिया है. मुझे तो ये पंप बॉटल ने भी कोई प्रॉब्लम नहीं दी है, बट आई हैव हर्ड रिव्यूज जिसमें लोग कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है वो इस पंप से बाहर ही नहीं आ रहा है. दैट्स व्हाई आई गेस पैकेजिंग चेंज हुई है एंड इट हैज कन्वर्टेड इनटू ट्यूब. ट्यूब में से निकलना काफी आसान है. मे बी ये पंप सही नहीं होगा इसीलिए लोगों का वर्क नहीं कर रहा होगा. इन माई केस आई वॉज लकी इनफ कि मेरा पंप भी चल रहा है एंड एवरीथिंग इज वर्किंग. इसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम लोगों को फील हुई थी कि यार इट इज वेरी एक्सपेंसिव. तो मिनिमलिस्ट ने इसका प्राइस भी रिड्यूस कर दिया एंड रिड्यूस करके 699 से दे हैव कम टू 499. सो इजंट इट ग्रेट. वाई टॉक अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस सनस्क्रीन. सो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला हमें रिसीव होगा, समथिंग लाइक दिस. इनविजिबल सा कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको आपकी स्किन में जब आप इसको ब्लेंड करोगे. कोई व्हाइट कास्ट नहीं हुआ, इट हैज अ जीरो व्हाइट कास्ट. एंड दिस इज वाटर रेजिस्टेंट, स्वेट रेजिस्टेंट. यू कैन सी हाउ इट इज. यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा इसका टेक्सचर. एंड इट विल टेक सम टाइम टू एब्जॉर्ब इन योर स्किन. ये इमीडिएटली एब्जॉर्ब नहीं होगी. सो इनिशियली यू माइट फील कि यार ये कितनी ऑयली ऑयली दिख रही है, बट गिव इट सम टाइम. थोड़ा सा आप इसको टाइम दोगे एंड ये एब्जॉर्ब हो जाएगी आपकी स्किन में. नाउ लुक एट दिस, ये कितनी आसानी से एब्जॉर्ब हो गई है. कोई व्हाइट कास्ट नहीं दिख रहा है. एंड ऑल्सो ये काफ़ी लाइट वेट फील हो रही है और जो ऑयल आपको दिख रहा था अब वो ऑयल भी नहीं है, वो एब्जॉर्ब हो गया है. सो बेसिकली दिस इज अ हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन एज वेल. एंड इसको आप तब सेकेंड लेयर लगाओगे तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बहुत आसानी से सेकेंड लेयर, लाइक री एप्लीकेशन इसका बहुत ही आसान है. बिल्कुल भी ऐसा टीडियस सा फील नहीं हुआ कि, या फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पिल हो रही है सनस्क्रीन. बिल्कुल भी पिलिंग नहीं होती है इस सनस्क्रीन के अंदर. एंड आई एम सॉरी फॉर दीज नॉइजेस, आई कैन नॉट हेल्प इट. अगर हम इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करें तो इसके अंदर है 3 वेरी इफेक्टिव यूवी फिल्टर्स जो आपको यूवीए रेज एंड यूवीबी रेज से प्रोटेक्ट करेंगे. सो इसके अंदर है यूविनल ए प्लस, एवोबेंजोन एंड ऑक्टोक्रायलिन. ये तीनों आपको यूवीए एंड यूवीबी से बचाएंगे. दीज आर केमिकल फिल्टर्स. एंड देन उसके बाद इसके अंदर है कुछ नरिशिंग इन्ग्रीडियंट्स लाइक होवा सीड ऑयल एंड ऑल्सो इट हैज टोमेटो फ्रूट एक्सट्रैक्ट एंड स्क्वालीन. स्क्वालीन आपकी स्किन को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, आपकी स्किन को सूद करता है, नरिश करता है. एंड ऑल्सो दिस इज अ फोटो स्टेबल फॉर्मूला एंड ऑल्सो एक्नी सेफ. दिस इज अ फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मूला एंड ऑल्सो नॉन कॉमेडोजेनिक. एंड इसके अंदर कोई भी एसेंशियल ऑयल्स यूज नहीं करे गए हैं. एंड ऑल्सो इसको टेस्ट किया है US लैब में एंड इट इज प्रूवन दैट इट गिवस यू SPF of 40 प्रोटेक्शन. अकॉर्डिंग टू ब्रांड ये हर स्किन टाइप पे सूट होगा, बट मैं इसको 30 डेज से यूज कर रही हूँ एंड माई ओपिनियन इज ये ऑयली स्किन वाले लोगों को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. यू माइट फील ग्रीसी, बट इफ आई टॉक अबाउट ड्राई स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन या नॉर्मल स्किन, आप लोग डेफिनेटली इसको ट्राई करके देख सकते हो. आई एम अ ड्राई स्किन टाइप एंड आई लव यूजिंग दिस सनस्क्रीन. इसमें कोई व्हाइट कास्ट का झंझट नहीं है, फटाफट से लगाया एंड पिल भी नहीं होती है. बहुत ही अमेजिंग सी चीज मुझे लगती है इसमें कि, क्योंकि जब वो पिल होती है ना सनस्क्रीन, वो मुझे बहुत इरिटेट करती है. मेकअप के अंदर भी ये बहुत अच्छे से सेटल डाउन होती है. बट टॉक अबाउट हाउ डू यूज दिस, तो सिंपल सा तरीका है, फेस वॉश करो, अपने फेस को अच्छे से क्लीन करो. जो भी मॉइस्चराइजर अगर आप लगाते हो तो वो लगा लो. अगर आप टोनर लगाते हो तो फेस वॉश के बाद टोनर लगाओ, टोनर के बाद मॉइस्चराइजर लगाओ एंड देन आप ये सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो. एंड इंडोर्स हो तो भी यूज कर सकते हो, आउटडोर्स हो तो भी यूज कर सकते हो. लाइक दिस इज परफेक्ट फॉर इंडोर्स एंड आउटडोर्स. बट अगर आप बहुत ज्यादा देर के लिए आउटडोर रहने वाले हो तो मेक श्योर कि एवरी 2 आवर्स में आप इसको रीअप्लाई करते रहो. एंड लास्टली दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, दिस इज माय ओपिनियन अबाउट दिस सनस्क्रीन आफ्टर यूजिंग इट फॉर 30 डेज. एंड हर स्किन टाइप अलग अलग होती है.
जरूरी नहीं है जो मुझ पे सूट हो रहा है वो आपको भी सूट हो जाए. सो डेफिनेटली आप ट्राई करके देखो, तभी आपको ज्यादा अच्छे से पता लगेगा, बिकॉज हर स्किन टाइप अलग होता है. एंड ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट जब भी आप कोई नया स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करते हो. सो दैट्स आवर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक माई वीडियो एंड इफ यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग, डू गिव अ थम्स अप. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो. इट विल जस्ट टेक अ मोमेंट एंड मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोज. So yeah, see you in my next video. Till then, bye-bye.